ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गूगल ने लाइव ट्रैफिक सिस्टम रोक दिया है। इसराइल गाजा पट्टी में ये सेवा रोक दी गई है। इसराइली सेना के अनुरोध पर दरअसल ये सेवा रोकी जाएगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास को तबाह करने के लिए इसराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होता, हमास का पूरी तरह से सफाया बेहद मुश्किल है। इस रिपोर्ट पे जानिए ग्राउंड ऑपरेशन रुकने से क्यों गाजा पर संकट गहराता जा रहा है। जितनी देर हो रही है उतना बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट में मंडराने लगा है। तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमास का खात्मा करने में इसराइल नाकाम रहा है। बस इसराइल अभी तक गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करके अपनी ताकत दिखा रहा है। जबकि हमास पहले से ज्यादा हमलावर हो रहा है। हमास के लड़ाके कहर बरपा रहे हैं। हमास रॉकेट दागकर इसराइल को दहला रहा है। मोर्टार के जरिए भी अटैक किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में तो आईडीएफ कमांडो से भिड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजा में बनाई सुरंगों का इस्तेमाल नए हमलों के लिए पहले की तरह किया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे सुरंग के अंदर हमास का लड़ाका तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा है। किसी हमले के लिए हथियारों से लैस होकर यह टारगेट की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी इसराइल पर खतरा भी कम नहीं हुआ है। दिन हो या रात, हमास की रॉकेट स्ट्राइक नहीं रुक रही। दरअसल हमास के हमलावर होने के पीछे बड़ी वजह है, अभी तक इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। इसराइल ग्राउंड अटैक के अंदर जितनी देरी करेगा, हमास को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। हमास लगातार अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेगा। कहा जा रहा है कि हमास अब 7 अक्टूबर से ज्यादा बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। हमास कितना खतरनाक है ये इसराइल जानता है। 7 अक्टूबर को उसके लड़ाके वहशी बन गए हैं। ये उसी को साबित करता एक और वीडियो है जिसे खुद हमास ने जारी किया है। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाके गोलियां बरसाते हुए नोवा फेस्टिवल तक जा पहुंचते हैं। उस दौरान जो भी बचकर भागना चाह रहा था उसे गोलियों से फूंक दिया। देखिए कैसे गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह का हमला फिर से हमास कर सकता है। सोचिए तब हालात कितने भयानक हो जाएंगे।